भाई बंदे आओ यहाँ पे, जरूरत है बंदों की भाई, बंदों की निकालनी है, जल्दी आओ आओ भाई, चलो उठिए उठिए उठिए। टेंपल कौन सा है आपका? यार टेंपल के लिए गलत आ गए तुम लोग। गलत आ गए? हाँ। तो गलत थोड़े बहुत नहीं आ गए, बहुत सारा गलत। अच्छा, बहुत सारा गलत आ गए, थोड़े बहुत भी नहीं। पहला बंदा हूँ जो फाटक पे खड़ा हो रहा हूँ आके, वो इस टाइम कितना हो रहा है, 5 बज रहे हैं, देखो वो फाटक बंद। खुला खुला खुला, अबे ये वाला तो खोल दो। हाँ खुल गया। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो तुम्हारा भाई दोबारा चुका है अपने इस वेला वेला ब्लॉग्स में, वेला पंदीगर ने। तो आज है भाई संडे का दिन 17 सितंबर। तो तुम्हारा भाई निकल चुका है मॉर्निंग संडे राइड पे। तो इस वक्त मैं अकेला हूँ, अभी मेरे साथ एक बंदा और जुड़ेगा, सुधांशु, ठीक है, वो मुझे मिलेगा पंजाबी बाग। तो फाइनली भाई दोनों भाई मिल चुके हैं, ठीक है। तो भाई की 160 स्ट्रीम, तो लास्ट टाइम हमने करी थी राइड 2 अक्टूबर को, और आया आज 17 सितंबर, ऑलमोस्ट 1 साल बाद दोबारा हम राइड कर रहे हैं। उसके बाद भी हमने कई बार प्लान बनाया था कि भाई राइड करेंगे साथ में, पर प्लान बनाते बनाते कब 1 साल बीत गया पता ही नहीं चला। मतलब जय श्री राम, हनुमान जी का नाम लेते हो राइड की शुरुआत करते हैं हम। और भाई टाइम हो चुका है भाई, 6 बज चुके हैं, ठीक है। तो चलते हैं भाई राइड स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारे भाई मिल चुके हैं। कुछ भाई मुझे मिलेंगे आश्रम में, और जो हमारा टारगेट है, अभी मेन टारगेट है इंडिया गेट जा रहे हैं, इंडिया गेट से फिर हम जाएंगे हम आश्रम। तो चलते हैं भाई फटाफट। और भाई साहब राइड 1 नंबर की होने वाली है, संडे राइड है जो कि मैं दूसरी बार कर रहा हूँ। तो फाइनली भाई इंडिया गेट वाले गोल चक्कर में पहुँच गया, ये इंडिया गेट का गोल चक्कर है, और मेरे को राइट साइड में इंडिया गेट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं आपको सामने से व्यू दिखाऊंगा इंडिया गेट का, और मॉर्निंग में भाई साहब 1 नंबर का, ऊपर से संडे का दिन, और ऊपर से ऐसे सुहाना मौसम, मज़ा आ जाता राइड करके। ओ बत्ती हो गई क्या? सारे फन्ने कहाँ है भाई सारे, ये देखो नीचे से ही लेना, क्योंकि हमें जाना है फरीदाबाद जाना है ना, तो नीचे से लेना होगा। तो भाई आश्रम का अंडरपास है ये। सारे मतलब राइड करने वाले, अगर मैं घर पे सो रहा होता तो भाई ऐसा सीन मिस कर देता, ठीक है। तो सोने से अच्छा भाई देखो अपने सपने को जियो, जैसे कि मैं जी रहा हूँ अपनी राइडिंग करके, ठीक है। तो इधर भाई 4-5 एंटोक है, रॉयल एनफील्ड है, एंटोक है, स्प्लेंडर एक ही है, फिर NS है, फिर इधर एंटोक है, फिर इधर अपने अंकित भाई की एक्सट्रीम है। तो फाइनली भाई यहाँ से भी हम निकलते हैं, अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ते हैं आगे। सोनू वेला वेला व्लॉग्स, वेला वेला व्लॉग्स, हाँ। और जस्ट मेरे लेफ्ट में आपको अपोलो हॉस्पिटल नज़र आ जाएगा। ये देखो जस्ट 16 अपोलो। तो भाई ये जो एरिया है ना, यहाँ पे मेरा ना एक खूबसूरत सा पल गुजरा यार। मैं सोचता था कि रोड पे ना हूँ दोबारा, ना हूँ, बट क्या करूँ। राइडिंग मुझे ले आई। तो कोई नहीं, बताऊँगा कभी फुर्सत में। तो पहले चलते अपने टारगेट की तरफ, फरीदाबाद। भाई सामने का ना व्यू चेक करो भाई, कितना मस्त है ना, ये देखो एकदम ढलान से उतरते हुए एकदम ग्रीनरी, मस्त लोकेशन है यार।
तो मैं भी लेके चलता हूँ इसको कीचड़ में। तो भाई फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग पार करते हुए, तो भाई लेके चलता हूँ इनको ऑफ रोड में प्योर एकदम, ठीक है पैर ऊपर कर लेता हूँ, आराम आराम से चलते हैं, आराम आराम से। क्या सामने से ट्रैक्टर आ रहा है, ओ तेरी ये हो रही है ऑफ रोडिंग बिल्कुल प्योर। मुझे लगता था कि मेरा एरिया ही खराब है, ऐसा नहीं है, आराम से चीते। ये देखो भाई तो तेरी यहाँ मैं गिर गया ना तो भाई साहब बिल्कुल मिट्टी के कलर जैसा हो जाऊंगा। ये देखो तेरी, अब भाई तो बहुत आगे तक बे गंदा रोड़ी है, देखो भाई कितनी गंदी कीचड़ है एकदम स्लस। हल्का सा भी तुमने ब्रेक मारी ना ज़्यादा तो भाई तुम्हारी गाड़ी नीचे है, और मैंने तो पीछे का मोटर कार्ड कटवा रखा है, कीचड़ उड़ उड़ के पड़ रही होगी। ये देखो भाई साहब स्लस शिट। ओ हाँ गए भाई साहब, बंदर भी नज़र आ रहे हैं मुझे, देखो भाई कितना स्केरी रूट है ना। तेरी देखो भाई बंदर, ये तो हिडन प्लेस है यार बिल्कुल, पता नहीं था कि दिल्ली के आसपास भी ऐसी सी हिडन प्लेस होगी। ये देखो भाई मंकीस, अरे बंदर, अरे इतने सारे बंदर, अरे डरो नहीं डरो नहीं, अरे नहीं, अरे मोर, ओ मोर मोर मारे खेबड़ा में नाचे मोर चलता था थैया। अरे अरे नम, तो देखते हैं आगे चल के। और भाई रोड ना, भाई रोड की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, देखो धाय कीचड़ धाय कीचड़, ये कल की बारिश का नतीजा है। ओ ओ, ओ, ओ फॉर्चूनर, फॉर्चूनर में गिरडी लगा दूं, ब्रेक पला दे। हाँ हाँ तेरी, रुक जा आराम से। यहाँ तो देखो भाई कितनी गंदी कीचड़ है शिट। अरे खोपचे में नहीं जाना, इधर जाना, आ जाओ। अंकित भाई यार अपना कच्चा तुम कागा सुखा देते हो यार। अंकित भाई को कह रहा हूँ कागा कच्चा सुखा देते हो अपना। ओह तेरी, चलो बढ़िया, मतलब घर पे जाके नहाना नहीं पड़ेगा। तुम चलो मैं आता हूँ। भाई यहाँ पे परसून टेंपल कहाँ है, परसून मंदिर, परसून टेंपल कौन सा यहाँ पे यार? परसून टेंपल के लिए गलत आ गए तुम लोग, गलत आ गए तो गलत, थोड़े बहुत नहीं आ गए, बहुत सारा। अच्छा बहुत सारा गलत आ गए, थोड़े बहुत भी नहीं, तो सही बता दो। आपको यहाँ से वापस बैक जाना पड़ेगा, रोड पे जाना पड़ेगा, रोड से आपको टुवर्ड्स भटकल की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब इधर लेफ्ट की तरफ ना? नहीं नहीं, अबाउट टर्न था ना, हाँ हाँ, जब नीचे ढलान पे उतरे तो अबाउट टर्न था, हाँ हाँ, टुवर्ड्स भटकल की तरफ जाना लिखा होगा, भटकल भटकल की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा भटकल की तरफ लेक है वहाँ पर मशहूर, पर आप लेक तो नहीं रह गए क्योंकि सूख गई है। हाँ हाँ, भटकल लेक की तरफ जाना पड़ेगा, भटकल लेक। गूगल मैप दिखा रहा है यार, गलत है, यहाँ से कहाँ से है, तो ये तो गौशाला खत्म है, रास्ता आगे पूरी रोड बंद है। आ चलो भाई चलो, टपलू कट गया, गूगल बाबा ने काट दिया हमारा। हाँ चलो चलो, आप चल रहे आपके पीछे, अरे चलो भैया लेके चल रहे आगे तक, ठीक है कुछ बता देता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बता देना, ठीक है। अबे आ जाओ भैया लेके चल रहे साथ में, गूगल बाबा ने काट दिया हमारा। नहीं लग तो गलत ही रहा है, एक बार मैप आगे देख लो क्या दिखा रहा है। अरे वो मना कर रहे हैं आगे, फार्म हाउस से लास्ट कुछ नहीं है यार। टपलू कट गया भाई, टपलू चले, आ जाओ वापस चलते, आ जाओ। तो भाई चलते हैं, अभी अंकल से पूछा, उन्होंने रास्ता बताया पीछे की तरफ से है।